अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, कल कराची में तीन मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाकयात में छह अफराद को घात लगाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों जांबहक होने वालों के सर में गोलियां मारी गईं, यानी तीनों मक्तूलीन किसी का चुनिंदा हदफ थे। कराची में एक अरसे से नस्ली, लसानी और अंडरवर्ल्ड की बाहमी खलफशार से टारगेट किलिंग का शिकार होता आया है, लेकिन हालिया टारगेट किलिंग की वजूहत सियासी, लसानी या नस्ली टकराव का नतीजा नहीं, बल्कि ये मामला हसास है। ये वो मामला है जिसमें इराक से लेकर शाम और शाम से लेकर यमन तक सुलग रहे हैं तमाम अवाम। पाकिस्तान जो पहले से दहशतगर्दी का शिकार है, वो इस नई तर्ज के फसाद फिल अर्ज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यूं तो कराची के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिख चुकी है कि सवाए एक जमात के कराची से ताल्लुक रखने वाली तमाम सियासी और मजहबी जमातें ना सिर्फ अपने अपने अस्करी ग्रोह रखती हैं बल्कि बत्थाकोरी में भी मुलव्वस हैं। कराची में 30 सितंबर 2013 से शुरू होने वाले ऑपरेशन के नतीजे में रेंजर्स ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। एमक्यूएम लंदन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी मुतासरा जमात है। गैर मुसद्दका इदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त 840 टारगेट किलर्स जेर हिरासत हैं, लेकिन सजा अभी तक किसी एक को भी नहीं मिली। गिरफ्तारियों का आलम यह है कि कराची का मुंतखब मेयर भी पाबंद सलासल है और कल साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी भी धर लिए गए। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं, लेकिन कानून को आगे भी बढ़ना चाहिए। महज गिरफ्तारियों से अमन कायम नहीं होता। गुज़िश्ता रोज होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात के बाद आज वज़ीर आला ने आला सतह इजलास बुलाने की रस्म पूरी कर ली। आला सतह इजलास में बड़े साहब से बड़े बाबू तक सब वही बोलते रहे जो ऐसे इजलासों में बोलने का रवाज होता है, लेकिन गुजारिश है कि इस बार मामला संगीन नहीं, संगीन तरीन है। एक आग घर की दहलीज पर लपक रही है, इस आग से निपटना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर अगला सवाल है कि क्या हम इस आग पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं? इसी पर बात होगी। मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मेरे पैनल में आज बोल हैं मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा सेंटर निहाल हाशमी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा और कराची से ताल्लुक रखते हैं अली जैदी साहब, सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाक सरजमीन पार्टी से रजा हारून साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इन तमाम अफराद से गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिनका नाम फैसल रजा आबदी साहब है और वो जिन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल रजा आबदी साहब का जो स्टाइल है गुफ्तगू करने का, जितने रिसर्च वो करते थे और टारगेट किलिंग और कत्ल गारतगिरी के हवाले से जितने प्रोग्राम के अंदर वो गुफ्तगू कर चुके हैं, एक झलक आपको भी दिखाते हैं जब एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे इस मामले पर चंद माह पहले क्या गुफ्तगू की थी। जीआईटी में कौन है? आईएसआई है आपकी, और कौन है? जीआईटी के अंदर रेंजर्स है, और कौन है? आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। अब इसका ये बाकी जीआईटी के अंदर, लिसन टू मी यार, मैं आप लोग को सिर्फ आपको कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म बता रहा हूं मैं आपको। अब आगे मैं पढ़ के सुनाता हूं। आगे लिखा है, तर्जुमान रेंजर के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि इसकी टारगेट किलिंग टीम ने रेंजर्स के लास्ट नायक शौकत, सेनेटर सैयद फैसल अजाबदी के गार्ड शाहिद हुसैन, मुत्तहिदा के रहनुमा आमिर खान के भतीजे सबीउल्ला और मुत्तहिदा के कारकुन ताहिर को कत्ल किया। रेंजर अलामिया के मुताबिक 2008 में मुत्तहिदा की उस वक्त के डिप्टी कन्वीनियर अनीस अहमद कायम खानी ने मीटिंग में लिसानी बुनियादों पर टारगेट किलिंग तेज करने की हिदायत की और यह रेंजर की जानिब से शाया करदा जेआईटी रिपोर्ट। एक जीआईटी को तो आप इतना गा रहे हो कल से बैठ के, चार दिन पहले ये जीआईटी आई हुई हो यहां स्टेज पे खड़े होकर ताकतवर तकरीरें कर रहा था, उसको हीरो बना के आप ही के चैनल पे तीन तीन घंटे दिखाया गया। नहीं, एक मिनट, वो व्हाट इज कन्विक्टेड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्विक्टेड? आई एम जस्ट डिस्कसिंग द जीआईटी। नहीं, वो कन्विक्टेड नहीं, दिस इज द जीआईटी। बगैर कन्विक्शन के आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत ये मुकदमात, عوام फैसला करेगी। नहीं, मुकदमात आप लोगों की, आप लोगों का तायुन अब عوام करेगी। बिल्कुल, फैसल रजा आबदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वही इंसाफ का कटेरा, वही कानून का वो निजाम जिस पर वो तंकीद करते थे, आज उसी कानून के निजाम के अंदर वो खुद गिरफ्त में आ चुके हैं और इस वक्त जेल के अंदर कम अज कम मौजूद है और अभी भी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन, जिसका मैंने उस वक्त की बात की थी, मैं आज भी ये कहता हूं, कोई कन्विक्शन अब तक सामने नहीं है। सेंटर निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम नून चूंकि हुकूमती जमात हमारे साथ ही मौजूद है, निहाल हाशमी साहब, जो टारगेट किलिंग हम बात करते थे और आप लोगों के, आप लोगों से मेरा तमाम सियासी जमातें, जो इफ्तिखार चौधरी साहब का एक फैसला सामने आया था उसमें सियासी जमातों को कहा गया था कि ये जिम्मेदार है, मिलिटेंट विंग्स इनके पास मौजूद हैं, वो खत्म हो चुके हैं। हुकूमत क्या कहती है, वो तमाम मिलिटेंट विंग खत्म हो चुके हैं तो फिर ये टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर यह जो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, ये अब गुज़श्ता चार पांच छह सालों से प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। फेडरल गवर्नमेंट असिस्ट करती है, सपोर्ट करती है, उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है,
मैं समझता हूं कि अगर मैं इस पर कोई भी राजधानी करूं तो ये उनके डोमेन में अपना हिस्सा डालना होता है और वो हम इससे परहेज करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। मगर इन सारी चीजों के बावजूद सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ पे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं जिनको ओवरसीज फंडिंग भी है। बहुत सारे वजूहत हैं जिसकी बिना पे गवर्नमेंट, मैं ऑथराइज नहीं हूं वरना मैं शायद नाम भी ले लेता, गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर नहीं करती। मुझे कभी कभी लगता है जो इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हम लेते हैं इमदाद या उधार या लोन जो भी कहें, वो भी नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में या हमारे मेगा सिटी में अमन हो, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो हमारी मार्केट की ग्रोथ है, वो अगर बढ़ गई और हम रिफंड करने के काबिल हो गए और हम फिर कल को लोन लेना छोड़ दें, तो वो भी शायद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हमारा, और खास करके पाकिस्तान का जो शहर है कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, वो कराची है। तो बहुत सारे फोर्सेज मिलके, मगर मैं समझता हूं कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग फोर्सेज हैं वो उन्होंने अच्छे काम किए गुज़श्ता चंद सालों में। हर बड़े मेगा सिटी में इस तरह के वारदात हो जाती है, इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, मगर ये इसके माने ये नहीं कि हम इससे सर्फ नजर कर लें। हमें इसमें और भी बहुत संजीदगी से इसको देखना है और उन सारे अवामिल, एक मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को रिसर्च करना चाहिए इस पे, इस पे पेपर्स लिखना चाहिए, बिल्कुल मेरिट पे रिसर्च करना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेज हैं, और उसमें भले वो लोग हायर करें, मीडिया से लोग हायर करें, कहीं और से लोग हायर करें, मगर इसको जड़ से एक बार खत्म। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये भी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि इंटरनेशनल फोर्सेज हैं जो कराची के हालात को पुरम नहीं देखना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं। जब आप जानते हैं ये बात, बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन मैटर्स तो कम से कम आपके पास हैं, आप लोगों ने आज तक किसी फॉरेन कंट्री से इस मामले के ऊपर बात की है? मेरे ख्याल आप लोगों के पास तो फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है इस पर। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर है हमारे पास। अच्छा, है आपके मिनिस्टर? इज द फॉरेन मिनिस्टर। ओके, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर। ये एक बड़ा की पोस्ट होता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो 73 के बाद वजीर आजम थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने किसी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं रखा था। ही वॉज एक्टिंग एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डिजाइन करता है कि उसके मुल्क की आइंदा क्या पॉलिसी होगी। ठीक है। और फिर हमारे पास दो बड़े मंझे हुए मुशीर और एडवाइजर है, स्पेशल असिस्टेंट है, जो खुद वजीर खारजा रह चुके हैं, सरताज अजीज साहब और तारिक फातमी साहब। अली जैदी साहब, क्योंकि आप कराची से ताल्लुक रखते हैं और वहां पे आप इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं, मामला ठीक हो गए हैं, हालात ठीक हो गए हैं? टारगेट किलिंग की ये जो वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब पिछले साल के फिगर्स में अपने नाजिन के साथ सिर्फ थोड़े से शेयर करता हूं। 2013 में जब कराची ऑपरेशन का आगाज हुआ था तो उस साल 2507 अफराद टारगेट किलिंग की नजर हुए थे, 2014 में 1635 अफराद कम हुए लेकिन मौजूद थी टारगेट किलिंग फिर भी, 2015 में 414 अफराद टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं, और 2016 में पिछले माह तक यानी कि अक्टूबर तक 411 अफराद हो चुके हैं। अभी दो माह बाकी हैं इस साल के पूरे होने में, तो खुदा ना खास्ता लग ऐसे रहे कि पिछले साल के फिगर से ये फिगर क्रॉस हो जाएगा। अली जी साहब, देखें, अगर आपने फिगर से शुरू किया मंसूर, तो मैं आपको कुछ और फिगर दे दूं। कराची की जो सबसे पहले इशू कराची की पुलिस का है, पुलिसिंग का इशू है, और ये आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी इस चीज पे, मैं और निहाल भाई एक लाइन पे हैं। अच्छा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, ऑन दिस जिस पे डिफरेंस है वो भी होगा, वो जरूर कोई भी डिफरेंस ओपिनियन, लेकिन ये पुलिस का जो गवर्नेंस का इशू है, आपको मैं बताऊं कि जो यूनाइटेड नेशंस का स्टैंडर्ड है पुलिसमैन टू इंडिविजुअल पॉपुलेशन इज 350 टू वन, मीडियन जो है 333 टू वन, वन पुलिसमैन टू 300। ठीक है, न्यू दिल्ली का है 290, ठीक है, लाहौर इज 335, आपको पता है कराची का क्या है? 900, ठीक है, और वो 900 जो आता है, और वो जो कराची में 24,500 पुलिस वाले हैं उसमें से 7,500 तो वीआईपी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तबाह है निजाम पुलिस का, पुलिस वालों का एक, आपको मैंने बजट सिंध असेंबली से निकाल के, बजट ऑडिटेड अकाउंट निकाल के देखे, उन्होंने कहा जी दो दफा वो दे चुके हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट की, उनको नहीं मिले, वो शर्जीत मेमन साहब की बुलेट प्रूफ बंगले शायद बन गए उस जमाने में, वो देख रहे थे, वो नहीं मिले उनको, बेड़ा गर्क उन्होंने किया करप्शन कर करके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। इसमें कोई मैं आई विल नॉट होल्ड, बिकॉज जैसे हमारा मुल्क है, हमारा शहर भी है, हम उसमें पले बढ़े, बेड़ा गर्क किया। अब जब रेंजर्स आई और रेंजर्स ने जब कार्रवाई शुरू की
और सारों के खिलाफ की। ये अगर कोई भी आपको नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है कि एक खास जमात के खिलाफ की, पहले रेंजर्स ने बड़े सारे तालिबान किए, रेंजर्स ने लियारी गैंग वॉर में हिस्सा लिया, उसके बाद रेंजर्स ने वो एमकेएम के दहशतगर्दी को भी पकड़े, सबके अक्रॉस द बोर्ड था, और लोग भी पकड़े उन्होंने, दूसरे ड्रग पेडलर्स फला डमका। एक और आपको फिगर दे दूं, 300 मिलियन रुपया खर्च किया है प्रोसिक्यूशन पे सिंध गवर्नमेंट ने। मजे की बात है कि प्रोसिक्यूटर्स केस में नहीं आते, दे डोंट शो अप। अभी वो 200 प्रोसिक्यूटर्स और हायर कर रहे हैं, 300 मिलियन प्रोसिक्यूटर्स पे खर्च किया, लेकिन वो आते नहीं प्रोसिक्यूशन, इसलिए तो प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते क्रिमिनल्स। ठीक है, 30 करोड़ पे। नैब ने क्या कहा है, नैब ने सिंध हाईकोर्ट को, मुझे नहीं आपको नहीं, सिंध हाईकोर्ट में 2800 इलीगल अपॉइंटमेंट सिंध पुलिस में सिर्फ एक साल में हुई। 2014 में वो कहते हैं कि 10,000 पुलिसमैन हायर हुए थे वो गुलाम हैदर जमाली के जमाने में, और 5 से 7 लाख रुपए माल था कांस्टेबल का, क्योंकि उसने भी आगे कमाने हैं। पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूं। जब आपका ये निजाम होगा गवर्नेंस का, आप क्या समझते हैं कि कैसे ठीक हो जाएगा हालात? हर गली में कराची में लोगों ने बैरियर लगाए हुए, ये तो आप स्पेसिफिकली बात नहीं, फिगर्स की बात, अब आपने बात की इंटरनेशनल पुलिस की। हां अच्छा, इंटरनेशनल, क्योंकि मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो इफेक्ट है, जो हमें इंप्रेशन मिलता है मीडिया के अंदर आके, जो सियासी रहनुमा हमें इंप्रेशन देते हैं, वो कहते हैं कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, मसला हल हो चुका है, हमने एमकेएम जो जिसको बार बार कहते थे, आप लोग कहते थे, आप पीटीए कहते थे, और एमकेएम जनाब उनको हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है, अब एवरीथिंग। मैंने कभी नहीं कहा बिल्कुल ठीक कर लिया, अच्छा नहीं हुआ अभी तक। देखें 30 साल का गंद ऐसे तो नहीं साफ होने लगा, लंदन से अलग हो गए, बस बात खत्म नहीं है। मैं आपको उस दिन से कह रहा हूं, मैं जब पार्टी मेरी कहती थी, शायद उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं उस दिन से आपको कह रहा हूं कि टोपी ड्रामा .com है, सिर्फ वो शायद पीएसपी अलग हुए क्योंकि वो 3-4 साल होंगे, लेकिन मेरी उनसे इख्तलाफ राय ये है, और रजा मेरा दोस्त है अगर लाइन पे सुन रहा हूं, मेरी हमेशा सब लाइन पे, मेरी सिर्फ उनसे एक इख्तलाफ राय है, एक जो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टैंड लिया, और 3-3.5 साल पहले वो चले गए बहुत सारे लोग, और फिर आगे उन्होंने एक स्टैंड लिया, साफ बात की। मेरा जो उनसे इख्तलाफ रहा है वो ये है कि वो एक जमाने में, अब मुझे नहीं पता उनका स्टैंड क्या, एक जमाने में वो बात करते थे अक्रॉस द बोर्ड एमनेस्टी की। मैं एमनेस्टी के, मैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में बिलीव करता हूं, खाली रिकंसिलिएशन में जस्ट फिनिश, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि मैं नीचे उतरू या अभी बैंक आपके आगे पीछे मैं लूटू, गार्ड को गोली मार दू, और जब पुलिस मुझे पकड़ने में बोलू पाकिस्तान जिंदाबाद। रजा अरुण साहब, ये होता नहीं है दुनिया में कहीं। रजा अरुण साहब सलामुलेकुम, हमारे साथ हैं आप? जी जी बिल्कुल सर, सुनना सर, कर रहे हैं मैं इनकी बात बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करता हूँ, ये ठीक कह रहे हैं जो जो बातें इन्होंने की। रजा भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, अली जैदी साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि आप जो मसले का हल था वो अभी तक हल नहीं हुआ है, हम बार बार ये कहते हैं कि शायद एमक्यूएम के ऊपर हम बार बार इल्जाम लगाते थे, लेकिन टारगेट किलिंग की जो हालिया टारगेट किलिंग है उसका इल्जाम उनके ऊपर लगाया तो नहीं जा सकता, ये कहा तो नहीं जा सकता कि वही मुलविस हैं, लेकिन साथ ही साथ अली जैदी साहब ये भी कह रहे हैं कि आप ये जो फरमाते हैं आपके और उनके दरमियान जो इख्तलाफ है, मेरे ख्याल में मैं अगर इसको इसी तरह कहूं कि पीटीआई और उनके दरमियान जो इख्तलाफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ये है कि ये आप लोग कहते हैं जनरल एमनेस्टी, सबको माफ कर दिया जाए, एक नया आगाज किया जाए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। ट्रूथ इन रिकंसिलिएशन एज इन साउथ अफ्रीका। जी सर, सर ये बड़ी अजम्पशन हो गई ना कि हम क्या कहते हैं, आपने खुद ही इंटरप्रिटेशन कर ली। अली भाई मेरे मोहतरम दोस्त भाई हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाने, हमने तो वे आउट की बात की, हमने कब एमनेस्टी बोला, एमनेस्टी का तो लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया, हमने कहा रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, वही पैकेज होना चाहिए, वही पैकेज होना चाहिए जो आपने स्वात में दिया, वजीरिस्तान में दिया, बलूचिस्तान में दिया, पाकिस्तान के हिस्से हैं ना सारे, इसी तरह के पैकेज चले, आप कर लें पार्लियामेंट से करवा दें, हमें कोई इसमें स्पेसिफिकली नहीं है कि आप हमें दे दें, आप कर लें इसको पार्लियामेंट से, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कह लें इसको, दिस नो हार्म इन इट, ये तो हमारा, ये तो डिस्प्यूट ही नहीं है मेरा अली जैदी का, इस पर तो हम दोनों अग्री करते हैं, तरीके कार निकाल लें, मैं अग्री करता हूँ। वी आर ऑन द सेम पेज देन। मुझे रजा साहब ये फिर क्लियर, मुझे ये बताइए कि ये जो 6 अफराद जो जाँ भाग हो गए कल, जिनको पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर गोलियां मारी गई, वो किसके किसको जाके सवाल करें, वो ये मैं किसी इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ देखूं, मैं किससे सवाल करूं? ये असल मंसूर भाई आपका टॉपिक वही है, और मौसी की तरफ आता हूँ, आप देखें हुकूमत वक्त की तरफ और आप देखें सुबाई हुकूमत की तरफ, इस शहर में क्या, इस पूरे मुल्क में अभी 2 रोज पहले की खबर है कि आपने भारत के 2 सिफारतकारों को उसके बाद से मजीद सिफारतकारों के नाम दिए जो कि ना पहुंच सकते हैं, उनको हमने कहा मुल्क छोड़ने, क्योंकि वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर रॉ और भारतीय आईबी की जो कार्रवाई है, उसमें कराची का जिक्र आया है, उसने बलूचिस्तान का भी जिक्र है और कराची का भी जिक्र है, रॉ के हवाले सारी मालूमात उठा के डाल दी गई रद्दी की टोकरी में,
पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट है वो हम डाल देते हैं बैक बर्नर्स पे, हम चले आते हैं उससे आगे आगे जाके बातें में शुगर लेते हैं। हुकूमत डालती है बहुत, हुकूमत डालती है, हुकूमत मैं इसमें वफाकी हुकूमत कहूँ या सूबाई हुकूमत कहूँ, दोनों बहुत इन्वॉल्व दोनों ही है इसके लिए। ठीक सर, देखना जिम्मेदारी होगी, बाद में एक चीज ऐड कर दूंगा जब आप खत्म हो जाएंगे। मंसूर भाई ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी सर तक है कि हम इशू को रेज करें। अब आ जाते हैं फॉल्ट लाइन के, हमारे माशरे में फॉल्ट लाइन बहुत ईजी है जिसके ऊपर काम हो सकता है, वो लिसानी बुनियादों पर है, वो हमारे यहाँ सुबाइयत के नाम पर होती हैं, और सबसे बढ़कर जो एक्सट्रीमिज्म है वो हमारे यहाँ टेररिज्म की शक्ल वो सेक्टेरियनिज्म में लेता है। ये रिक्रूटमेंट बहुत इजी है। अब मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, आपने क्लिप सुनाया भी, मैं क्लिप पे भी नहीं जाऊंगा, हालांकि जीआईटी के हवाले से गुफ्तगू करना इतना ही फजूल है जितना कि फजूल उस शख्स की गुफ्तगू थी, वो मैं उससे कॉमेंट नहीं करूंगा। फैसल रजा अब्दी साहब, आपको याद है रजा साहब मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी उस इंटरव्यू के बाद, आपको याद है आपकी मेरी मुलाकात लाहौर में हुई थी? हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था कि फजूल गुफ्तगू होती है, ये टीवी के ऊपर आकर ऊंची ऊंची आवाज से बात कर लेना और बेफजूल के आर्गुमेंट देने, उससे नहीं। सर मैं आपको बताता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान आपने बनाया, उसमें आपने एक जिम्मेदारी दी है अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को, वहां तक जो जिम्मेदारी थी वो पूरी, जो हमारी सूबाई मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का काम था एक नैरेटिव बिल्ड करना, एक काउंटर नैरेटिव लेकर आना, अपना एक बयानिया बनाना, लोगों के अंदर जाकर इस बात को यकीनी बनाना, वो किधर है? हमारे लोग तो कल सारे के सारे 25 मिलियन रुपए, मैंने अखबार में खबर पढ़ी, वो एक जलसे के सिक्योरिटी के इंतजाम में सिंध की सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा रजा भाई, वो सूबाई हुकूमत की बात करूं तो वो तो कहते हैं मैंने अंकल अल्ताफ को कभी गद्दार नहीं कहा मैंने, आप कहते हैं कि रॉ के हवाले से जो सबूत वहां पर मौजूद है उसके ऊपर काम करें, तो किस तरह काम करेंगे जब माइंड सेट अगर इस ट्रैक पे चल रहा है? आप अली जदी भाई, मैं इस तरह के नैरेटिव से जाता ही नहीं सर। नहीं जिम्मेदारी है आपकी, कैसे नहीं है? 8 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं आप सूबे के अंदर, कैसे नहीं आपकी जिम्मेदारी बनती? वहां पे जो हुकूमत है 5 साल आपने विफाक में हुकूमत की, अब जो लोग विफाक में हुकूमत कर रहे हैं 3 साल, उनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती? आओ कहते शायद अगर इसमें बैरूनी हाथ कहते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम आपसे आपसे एक्चुअली इसकी गुफ्तगू ज्यादा करूं क्योंकि आपने रॉ का ये इशू उठाया। मैं सिर्फ एक बात आपसे, वो ये कहते हैं अगर रॉ का हाथ है तो इसको रॉ के इशू को इसको डिलीट करना, इसको डिफीट करना, ये काम है फेडरल गवर्नमेंट का विद द असिस्टेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नो वन एल्स। फेडरल गवर्नमेंट इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी सर। निहाल हाशमी सर, एक पॉइंट सर, एक मिनट इनको जवाब दे देना पहले। 1985 से लेकर आप उस शहर के विटनेस रहे, बेशुमार बार ऐसा हुआ, इतना कलेजा किसी को नहीं मिला जो मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम। इवन 1992 में भी जब पाकिस्तान के एक मायनास शख्सियत हकीम सईद का कत्ल हुआ तो हमने अपनी हुकूमत का कत्ल कर दिया, हमने कहा नहीं हम कत्ल नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, भले हुकूमत आ जाए हम इख्तदार की सियासत करते हैं। इस बार भी ये आग लगा हुआ था गुज़श्ता 14-15 साल से ड्यूरिंग टू रिजीम्स, मार्शल लॉ रिजीम एंड देन पीपल्स पार्टी रिजीम। ये हमने काम किया कि हमने उनको नॉर्मलाइज किया, अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को यूज किया, रेंजर्स को डिप्लॉय किया, जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी वो सब करके दिया, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पुलिसिंग काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, देखिए हर वक्त फेडरल गवर्नमेंट तो हालात जंग में नहीं आ सकती, एक नॉर्मल चीज करके दे देते हैं और फिर उनका काम होता है कि अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपनी ट्रेनिंग को बेहतर करें और मेरिट पे चीजें करें। इजाजत दीजिएगा एक छोटी सी नाज़रीन लाइन में शेयर करता हूं। 6 अक्टूबर 2011 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक फैसला दिया था कराची के हालात के हवाले से, कराची बदमनी केस के अंदर, और उस केस के अंदर जो बेंच था उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस हमारे अनवर जहील जमाली साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। उस फैसले के अंदर एक पर्टिकुलर लाइन थी, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद में खैर मैं डिस्कशन जरा कुछ क्लियर हो जाएगी। उसमें लिखा हुआ था द मिलिटेंट्स कराची के हवाले से, द मिलिटेंट्स एंड क्रिमिनल्स आर टेकिंग रेफ्यूज इन द लैप ऑफ पोलिटिकल एंड एथनिक पार्टीज विच यूज द फ्लैग्स ऑफ दीज पार्टीज टू कमिट इलीगल एक्टिविटीज विद इम्प्यूनिटी। ये इसमें लिखा हुआ है, यानी कि सियासी जमातें, चाहे वो सियासी जमातें हों या वो लसानी जमातें हों, सबको इस्तेमाल किया जाता है, सब में ही टारगेट किलर्स मौजूद हैं, सब में नहीं,
हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, पीएमएलएन का नाम कहीं नहीं है, ना हो सकता ना होगा, ना हमारी उसूल है ना हमारा प्रिंसिपल। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी उसमें नहीं है। सबसे मेरी मुराद मैं अपनी आगे जाके इस फैसले के अंदर, क्योंकि बड़ा लंबा है उसमें, चले मैं नाम ले देता हूं ताकि सब पे ना, एएनपी का नाम लिया गया, पीपल्स पार्टी का नाम लिया गया, एमक्यूएम का नाम लिया गया, सुन्नी तहरीक का नाम लिया गया, जमात इस्लामी का नाम लिया गया, ये तमाम जमातों के हवाले से इसके अंदर लिखा गया। मैं ये पूछता हूँ फेडरल गवर्नमेंट ने उसके बाद इन जमातों के साथ क्या किया? देखिए, इन जमातों के साथ ये किया गया, जो भी इन जमात में हो, हमारे जमात में हो, किसी भी जमात में, जमात की बात नहीं, इंडिविजुअल्स का अगर एक्ट है वो खा कोई भी हो किसी भी सतह पे, आपने देखा नहीं पीपल्स पार्टी के जो इंडिविजुअल्स थे हमने उनको टास्क पे ले लिया, किसी भी पार्टी का इंडिविजुअल हो जो क्राइम है, हाँ या तो कोई ऑफिशियली कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ओ करती हो कि हाँ जी ये क्राइम हम कर रहे हैं और इसमें हमारी पार्टी इन्वॉल्व है, हमारी पार्टी के लाइन है, लेंथ है, डायरेक्शन पे हो रहा है, मगर अगर कोई आके हमें सिफारिश करता है तो हम उसे नहीं मानते। बड़ी लूज बॉल दी है वैसे आपने, मैं इस पे मैं चाहता तो मैं बड़ा खूबसूरत कवर ड्राइव चौका लगाता, लेकिन चूंकि मेरे साथ साजिद अहमद साहब एमक्यूएम के रहनुमा भी जरा फोन पे मेरे साथ मौजूद। साजिद साहब सलाम अलैकुम, हमारे साथ है अब? जी अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, ये जो कुछ भी हुआ है हालिया, ये जो कल वाकयात पेश आए हैं, 6 अफराद को जिस तरह कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, इसे मैं पॉलिटिकल टारगेट किलिंग कहूं, इसे मैं किस किस्म की टारगेट किलिंग करूं? ये जो नई वेव एक आई है, अभी तक इस साल के अंदर 400 से ज्यादा अफराद अब भी टारगेट किलिंग का निशाना बन गए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? औजुबिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाजिरों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दूसरा ये कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की वेव आती रहती है, आपने वेव की बात की, और इस किस्म की टारगेट किलिंग होती रहती है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपने देखा कि गुज़श्ता 2-3 साल से पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उस नेशनल एक्शन प्लान को सपोर्ट भी किया, लेकिन गुज़श्ता कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट आखिर अखबार में, टीवी में भी इस पर टॉक शोज हुए और तजिए भी इस पर हुए, आर्टिकल्स भी इस पर आए बहुत सारे, उसमें यह था कि जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 या 15 पॉइंट हैं उनमें से 1-2 पॉइंट पर इम्प्लीमेंट हो सका, लेकिन बाकी जो कि गवर्नमेंट को जिन चीजों पर इम्प्लीमेंट करना था, मिसाल के तौर पर मदरसा रिफॉर्म्स थे उसके अंदर और बहुत सारी चीजें थी जिस पर हुकूमत ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अच्छा, जो फोर्सेस काम था, फोर्सेस ने अपना काम किया, लेकिन फिर जो दूसरा हैंड आता है वो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट वहां पर वो कुछ नहीं कर सकी जिसको करना चाहिए था। अच्छा, इस वेव को अब सवाल ही पैदा होता है, अब इस किस्म के जो टॉक शो आप साहब एक मिनट इजाजत दीजिए, साहब अभी जब आप गवर्नमेंट कह रहे हैं तो आप फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रहे हैं? दोनों गवर्नमेंट है, फेडरल भी और नेशनल एक्शन प्लान पर दोनों ही गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना था इस पर। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए इस किस्म के आपने ये टॉक शोज में दसियों सैकड़ों मरतबा जब कराची के अंदर टारगेट किलिंग होती है, हम आप बैठते हैं, टॉक शोज होते हैं, इस पर डिबेट होती है, इसमें सबका सब अपना अपना मुद्दा बयान करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये अमल जारी और सारी आज तक है, और ऐसे आपको आगे भी पता नहीं कितने टॉक शोज करने पड़ेंगे। अब इस चीज को रोका कैसे जाए, सवाल ये पैदा होता है कि मैं पीटीआई पर इल्जाम लगा दूं कि 30 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं। साहब साहब मुझे इजाजत दीजिए इंटरप्ट करने की। और ये अब जो मैं गुफ्तगू करने लगा ना, जो बात करने लगा हूं, ये तमाम इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स मेरे साथ शो में से मौजूद है, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। सर, फेंटा मारे फेंटा, इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह काम, ये जो हम कहते हैं ना कि जनाब ठीक है एक हो गई बात, लो जी ये कौम ना एनआरओ से अब तंग आ चुकी है, अब ये कहती है कि हमें रिजल्ट चाहिए। अगर आपको कोई पॉलिटिकल लीडर हो, आई डैम केयर वो फैसल रजा आबदी है, वो कोई भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जब तक आप उसको सजा नहीं देंगे ना, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, ये सियासतदान इन तमाम लोगों को इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, लोग इसी तरह कत्ल होते रहेंगे। आप कह किस तरह सकते हैं, मुझे मैं एंड आई एम नॉट अक्यूजिंग यू डायरेक्टली, आप कह किस तरह सकते हैं अगर किसी एक खानदान का एक बच्चा टारगेट किलिंग का निशाना होता है और उसके 6 महीने के बाद एक सियासी जमात का जो रहनुमा है वो उसको जाके कहे चलो भूल जाओ आगे चलें, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, पॉसिबल नहीं है सर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये भूलने वाली चीज भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाना चाह रहा हूँ। देखिये, इसी नेशनल एक्शन प्लान के बाद कराची में तो 3 साल से ऑपरेशन हो रहा है यहाँ, और यहाँ पर हमने ये भी देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम देखा कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी वो दोबारा दूसरा नाम उन्होंने अपना चेंज किया, और वो दोबारा मार्केट के ग्राउंड पर स्ट्रीट पर मौजूद हैं, वो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, जलसे लूज कर रहे हैं,
बल्कि पाकिस्तान के अब देखिए बहुत सारी गलतियां आजकल पाकिस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं ने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि कराची के अंदर जो वाकया है इसमें कलदन तंजीमें इन्वॉल्व है, लश्कर जंग भी या तालिबान या एक्स वाई जेड कोई भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो इन्हीं लोगों को तो पाकिस्तान के सियासी लोगों ने सपोर्ट किया है। क्या इमरान खान साहब ने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया है? क्या नवाज शरीफ साहब ने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया है? क्या पाकिस्तान के अंदर इनके दफ्तर खुलवाने की बात नहीं हुई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब इनको खत्म करने की बात की गई तो यही इसको सपोर्ट करना कहेंगे सियासी रहनुमा इसको सपोर्ट करना कहेंगे आपके ख्याल में इसको सपोर्ट के उसके जुमरे के अंदर लाना चाहिए या ये कहना चाहिए कि ये उनका एक एक सजेशन था मामले को हल करने का? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अगेंस्ट था इस बात के, मैं ये सामने बैठे हैं अली जैदी साहब, मैं बहुत अगेंस्ट था इस बात के जो खान साहब ने बात की थी पिशावर में जाके दफ्तर खुला दे। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं ये कहूं, मैं इसको इस हद तक आगे ले जाऊं कि मैं कहूंगी ये खान साहब सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को? देखिए बिल्कुल नंबर वन हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल पीटीआई ने भी सपोर्ट की। आपने अगर देखा होगा पंजाब के अंदर नून लीग के नियाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, नून लीग के मुख्तलिफ वज़रा इनके आपने देखो क्लिप्स भी अखबार में टीवी पर आ चुके हैं, इनके वज़रा के साथ वो कुलंद तंजीमों के लोग मौजूद है, खड़े हैं वहां पर। आज भी पंजाब के अंदर ऑपरेशन नहीं हो सका है, आज भी जो जुनूबी पंजाब है वो पूरा एक गढ़ बना हुआ है, वहां पर गढ़ है मौजूद है, वहां से पूरे पाकिस्तान को ऑपरेट किया जाता है। वज़ीरिस्तान में वाना सवात में तो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी तो ऑपरेशन कर रहे हैं आप, जहां पर इनके लोग मौजूद हैं, जहां पर इनके डंपिंग पॉइंट मौजूद हैं, जहां इनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। अगर आप लेकिन तौर पर किसी मैं नाज़िम को एक चीज अपडेट कर दूं कि सईद गनी साहब को हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी इस सिलसिले में जो है वो मौकफ हमारे पास आए, लेकिन वो नहीं आ रहा। रजा हारून साहब हैं जी हमारे साथ या उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है? अच्छा साजिद अहमद साहब तो हमारे साथ ही हैं जी, थोड़ी सी और बात करूंगा इस पर, एक मिनट आपको कॉल लूंगा ना, आधा मिनट। अच्छा साजिद साहब मुझे ये बताइए, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, पंजाब के अंदर ऑपरेशन क्यों नहीं होता, सर मुझे ये बताइए जब असला अजीजाबाद से मिलता है तो उसमें पंजाब में ऑपरेशन किस तरह आ गया बीच में? अजीजाबाद का जो असला निकला उसके बारे में तो जो कमेंट सामने आए वो तो ये थे कि जनाब ये तो इस तरह लग रहा था कि फौज के साथ लड़ने की तैयारी हो रही है। देखें वो असला पकड़ा गया कुछ सामने भी, हमने तो उसको फेवर नहीं किया ना, तो क्या पंजाब के अंदर आप देखिए इसको असले से आप कंपेयर नहीं करें, वाकया जो इंसिडेंट बड़े बड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े सानियात हुए हैं, आप इस टारगेट किलिंग को दहशतगर्द उससे कंपेयर करें। असला पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, असला फाटा वाना के अंदर भी दुकानें मौजूद है, ना खुलेआम बिकता है गैर कानूनी असला। पहले आप कराची में दस्ता नहीं बनता है, वो सही कह रहे हैं आप, जहां से चलकर मुख्तलिफ पिकेट से मुख्तलिफ पॉइंट से होता हुआ कराची पहुंचता है, तो आखिर यहाँ तक पहुंचता कैसे? वहां भी तो ब्रेक होना चाहिए ना कुछ, वहां पर भी ऑपरेशन होना चाहिए। वो जो जहाँ खुलेआम रजा हारून साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो रजा हारून साहब गुफ्तगू आपने सुनी, उसमें मौकफ यही दिया जा रहा है कि जनाब ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। कराची को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट करते हैं? मसला कराची के अंदर नहीं है सिर्फ, मसला फाटा के अंदर भी है, वाना के अंदर भी है, साउथ पंजाब के अंदर भी है। हाँ सही बात, हर जगह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, बिस्तान में तो हो ही रहा है, सिंध में भी हो रहा है, कराची में, सिंध में होना चाहिए, इंटीरियर सिंध में नहीं हो रहा, वहां जब जाना चाहते हैं तो यही हमारे जमहूरी भाईजान जो है ये खड़े हो जाते हैं सामने, जमहूरियत खतरे में हो जाती है। देखिए ये टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म और फनाटिसिज्म और गैर मुल्की एजेंट्स की जो हम बाहर लगाए बैठे ना अपने मुल्क के अंदर, जो जुम्मा बाजार हमने लगा रखा है, और जुम्मा बाजार के अंदर इसकी पेट्रनेज, मैं आपके सामने आज बिल्कुल रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, इन सब की पेट्रनेज की जिम्मेदारी हमारे हुक्मरान जो इस वक्त हुक्मरान के सर पर आएगी, क्योंकि हर चीज के सबूत शवाहिद होने के बावजूद, तमाम तर वीडियोस देखने के बावजूद, दस्तावेजी सबूत देखने के बावजूद, हमारे लोगों ने बर वक्त एक्शन नहीं लिए। जहां तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं, अगर आप इस खाम ख्याली में हैं बड़ी अदब के साथ, कि अगर आप सिर्फ ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेकर इस मुल्क में अमन ले आएंगे, इस मुल्क से आप ये फॉल्ट लाइन को खत्म कर देंगे, तो आई एम सॉरी, आप खुश रहें किसी खुशफहमी में ना रहें। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बाद पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत होती है, पॉलिटिकल एक्शन के साथ साथ आपको इकोनॉमिक एक्शन लेने चाहिए। सर मेरी गलत सुन लें प्लीज, काइंडली मुझे खत्म करें। कराची की जो हालत है ना इस वक्त, कराची शहर की जो हालत है,
कराची के अंदर चार चार पांच पांच फीट का कचरा जमा हुआ है, कराची में पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज का सिस्टम तबाह है कराची का, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुरा हाल है यहाँ पे, सड़कें टूटी फूटी हो चुकी हैं, ये सड़कें ऐसा लगता है कि किसी गांव किसी किसी छोटे से किसी टाउन में आप आ गए। आप ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं, ये किसका काम है? ये काम फोर्सेस का नहीं है, ये काम रेंजर्स का नहीं, ये काम पुलिस का नहीं, ये काम है गवर्नमेंट का, ये काम है लोकल गवर्नमेंट का, मेयर का। सईद गनी साहब से आप सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी अगर सुन ले सईद भाई के लिए भी कह रहा हूं, सईद भाई भी हमारे दोस्त हैं, आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज देना होता है। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सईद गनी साहब अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सईद गनी साहब, ये जो हालिया एक नई लहर हमने देखी कि कल छह अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, अभी आप क्योंकि थोड़ी देर बाद आए हम पैनल में, जो अब तक ये बात सामने आई है, कराची का मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपने कराची का ऑपरेशन शुरू कर दिया और मसला उससे हल हो जाएगा। रजा हारून साहब अभी फरमा रहे थे कि आप कचरे के ढेर जहां पे जमा है वहां पे ये नजर आता है कि हुकूमत कमजोर है, जहां ये नजर आता है कि सिविक बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं मिल रही वहां नजर आता है कि हुकूमत कमजोर है। यहां पे मेरे साथ नून लीग के सेंटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि ये मसला लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है, आप लोगों ने ये मसला हल करना है, और क्या मसला हल हो रहा है या अब आपके ख्याल में पॉलिटिकल फोर्सेस के अलावा कोई दीगर फोर्सेस भी हैं जो कराची के अंदर ये सारी गड़बड़ फैला रही है? देखिए इत्तेफाक है कि आपके जो दोनों हमारे दोस्त में बैठे हैं उन दोनों का ताल्लुक कराची से है, और कोई अगर ये कहे कि कराची का मसला बहुत ही सीधा सा है और आप ऑपरेशन करें उससे मसला हो जाएगा, तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा ही शख्स की बात कर सकता है जो कराची को ना जानता हो ना समझता हो। कराची का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ माफियाज काम करते रहे हैं बड़े अरसे से, जिनके अपने अपने मफादात हैं, और डेफिनेटली जो माफियाज हैं उनकी जो जो ताल्लुकात हैं या जो उनकी रीच है वो मुख्तलिफ इदारों में भी मौजूद है, और जब जब जरूरत पड़ती है वो उनको इस्तेमाल भी करते हैं, और कहीं कहीं पर शायद कुछ इदारे उनको प्रोटेक्ट भी करते होंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कराची में पिछले कई माह से जो ऑपरेशन हुआ है उसके नतीजे में बेहतरी जरूर आई है, ठीक। लेकिन सिर्फ ऑपरेशन में बिल्कुल इससे इतफा करता हूँ, जो हमारे दोस्त ने कहा कि सिर्फ ऑपरेशन कराची के मसले का हल नहीं है, इसके पैरेलल कराची के जो और मसाइल हैं जिसमें यकीनी तौर पर डेवलपमेंट भी है, यकीनी तौर पर जो ट्रैफिक के हमारे इश्यूज हैं वो भी हैं, लोगों के रोजगार का मसला भी है, ये तमाम चीजें लिंक्ड होती हैं, और अगर कोई शहर इन तमाम मसाइल से निकलना शुरू हो जाए तो फिर वहां पर आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त करना वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। आप सईद गनी साहब हमारे साथ ही, मुझे अली सईद साहब गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने इकरार किया इस बात का कि हाँ हर सूरत में हमें थ्री डायमेंशनल तरीके से इस मसले का हल करना है, तभी मसले का हल निकले। मैं एक मिनट अली सईद साहब से पहले एक चीज वादे कर, सर आपने बहुत बहुत चुप कराया, दोस्त रजा कह रहे थे कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और ये एजेंट घूमते फिर रहे, क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी जब अल्ताफ हुसैन ने 2005 में दिल्ली में, और ये उस वक्त हुकूमत में थे, जब उसने पाकिस्तान तोड़ने की बात की, पाकिस्तान को एक ब्लंडर कहा, मेरे दोस्त मैं नहीं समझता हूँ क्यों जागते हैं और इतने देर से जागते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ कराची में ऑपरेशन, साजिद कह रहे थे, साजिद को कहे शुक्र अदा करें कि कराची में वो ऑपरेशन नहीं हुआ है जो वाना में वजीरिस्तान में या साउथ पंजाब में हुआ जहां पे कारपेट बॉम्बिंग हुई है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि अपने आप को ना सुधारे बल्कि बॉम्बिंग का इंतजार करें हम, ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपना किरदार अदा करें। अली जी सर मैं शुरू करूंगा जो आपने वो सॉरी आई जस्ट थोड़ा करेक्शन कर दूं, वो जजमेंट नहीं थी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन ठीक है सॉरी ठीक, तो अच्छा होता है क्लियर हो जाए, बिल्कुल ठीक। अब जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की वो बिल्कुल ठीक थी, अब आप हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देख लें, एमकेएम का तो आपको खुद पता है, क्योंकि अब नाम गिनाना शुरू करूं तो वो पहाड़ी और सौलत मिर्जा वो तो बहुत नाम है, सबको पता है वो कौन थे, वो एक्सप्रेस न्यूज के लिए ना काम करते थे ना वो पीटीआई के लिए थे ना जमात, अच्छा अब उसके बाद आप आ जाएं पीपल्स पार्टी, तो ये पूरी लियारी गैंग जितनी बनी थी अमन कमेटी वो सारी इनके नाक के नीचे बनी थी, ये खुद जाते रहे वहां पे कायम अली शाह, और सारी तस्वीरें हैं वो अब डिनाई कर देंगे कि शादियों में जा रहे हैं जलसों में साथ बैठ रहे हैं, उजैर बलोच की क्या कहानी थी वो भी सारों को पता है, एक जमाने में एनपी ने भी की है वो बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। हाँ इनका नाम नहीं है उसमें पीएमएलएन का नाम, उसकी वजह दो हैं, पहली बात है कि पीएमएलएन ने तो अगर आप ये मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूं एक हफ्ता पहले की प्रूफ कर देता हूं कि ये तो माजरत के साथ जो मजहबी इम्तिहाद दहशतगर्द तंजीमें हैं
वो तो पुष्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है हमें पकड़ लेते हैं 144 क्लोज डोर लगा के अंदर कर लेंगे और अगले दिन वो दहशतगर्द तंजीमें इस्लामाबाद में जलसे कर रही है उनपे 144। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर निहाल हाशमी साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमकेएम पाकिस्तान से साजिद अहमद साहब और पाक सरजमीन पार्टी से रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सबकी सुनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी जमातों को सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को उन तमाम एलिमेंट से दूर करना पड़ेगा जिनके वैसे तो वो टेलीविजन टॉक शोज में आके बुराइयां करते हैं, लेकिन जब बात इलेक्शंस की आती है तो कई बार इन्हीं जमातों के साथ गठजोड़ भी हो जाता है और उसके बाद अपने मफादात के लिए इलेक्शंस उनके साथ मिलके भी लड़े जाते हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।